नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जांगीड। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के बारे में, और मनोविज्ञान में दोस्तों अपन ने बात की थी किसके बारे में, अभिवृद्धि और विकास के बारे में, और वातावरण और वंशानुक्रम के अपन बात कर रहे थे। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे जो जो पहले ऑनलाइन आ गए दोस्तों, सबसे पहले वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आते ही सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो देखे अच्छा लगता है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम खर्च नहीं होगा आपका कभी भी। वीडियो को लाइक कर दिया करें आप आते ही, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो आपके ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, जो रोज देखते रेगुलर देखते, उनको भी शेयर करते, क्या पता चल जाता है, लिंक आ जाता है, तो एक टोन बच जाती है दोस्तों एक तरह से, तो चलता रहता है ऐसे। आप कर दिया करें मेरे लिए ये सब कुछ। और देख रहे हो दोस्तों, ये बोर्ड आज भरा भरा सा लगा हुआ है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जैसे ही एक टॉपिक खत्म होगा दोस्तों, तो उसके बाद जो जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अपन उनकी जरूर बात करेंगे। आज ये दोस्तों जो बोर्ड भरा हुआ है, आज इतने ही क्वेश्चन की बात करेंगे अपन इस क्लास में। इसके बाद दोस्तों जो बड़ी क्लास लगेगी अपनी, मैं जब तक पूरे क्वेश्चन नहीं हो जाते तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, अपन पूरे क्वेश्चनों की बात करेंगे, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि लेवल क्या होता है क्वेश्चन का, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बस अपन गलत कहां से हो जाते हैं वो चीजें अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपन यहाँ से। जो जो आ गए हैं दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो दोस्तों, ये ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड जो है वो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, भरा हुआ है। आज मजा आ जाएगा दोस्तों क्लास में, बिल्कुल आप देखना, एक तरह से ऐसा लगेगा दोस्तों कि आपको बिल्कुल मोटिवेट हो जाओगे, आप पॉजिटिव फील करोगे कि यार मजा आ गया आज से, और क्वेश्चन किस तरह से आते, किस तरह से अपन को ध्यान रखनी है, कहाँ कहाँ अपन गलती कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में। जितने यहाँ पे पांच क्वेश्चन है, आज पांच क्वेश्चन में क्या क्या सीखेंगे अपन, उनकी बात करेंगे आज। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, शुरुआत बात करता हूं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। ठीक है, आराम से चलो, जिसको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, साफ दिख रहा होगा, आप कमेंट फास्ट फास्ट करते जाइए, जो भी दिख रहा है आपको, जो भी बता रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है सर बोल, मैं एक एक क्वेश्चन बोलूंगा, एक एक सवाल के बारे में बात करूंगा, और बोलता भी जाऊंगा, दिख रहा हो तो भी ठीक, नहीं तो मैं बोल ही रहा हूं। देखो पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला सबसे ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों, ये सीटेट में आया हो, रीट में आया हो, ये दो ही चीजें लिखी है मैंने। पहली बात तो ये सुन लेना दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन, पहला जो जो प्रश्न है, क्वेश्चन है पहला, ये दो ही एग्जाम में नहीं बल्कि चार पांच एग्जाम में आया, लेकिन जगह नहीं थी यहाँ पर, मैं नहीं लिख पाया। जो यूपी के, बिहार के टेट होते हैं, यूपी के टेट होते हैं, सी टेट होता है, जो केंद्रीय में विद्यालय होते हैं, रीट होता है, उनमें आ चुका है ये क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन कम से कम भी चार पांच एग्जाम पेपर में आ चुके हैं, रिपीट भी होने बार बार, लेकिन बदलना, पूछने का जो तरीका है वो बार बार बदल दिया। देखो पहला क्वेश्चन पूछ रखा है वो, कि विकास शुरू होता है, क्या बोल रखा है इसने, विकास शुरू होता है, क्या मतलब है दोस्तों, जैसे ही विकास शुरू होता है ये मैंने बोला, और आपके दिमाग में दोस्तों क्या आ जाना चाहिए, विकास की पूरी डिटेल आ जाना चाहिए, एकदम से पता लग जाना चाहिए कि मैंने विकास के बारे में आपको क्या क्या लिखाया था, क्या क्या बताया था कि विकास क्या होता है और अभिवृद्धि क्या होती है। ठीक है दोस्तों, देखो इसने पूछा है कि विकास शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, एक ही लाइन लिखी थी दोस्तों मैंने आपको बताया था, विकास कहां से शुरू होता है, गर्भावस्था से शुरू होता है और जीवन पर्यंत तक चलता है, गर्भावस्था से शुरू होता है, यानी कि जन्म से पहले शुरू हो जाता है, प्रसव से पहले ही शुरू हो जाता है, शेषावस्था से लेके जो बाद का होता है, जन्म के बाद से शुरू होता है, वो है अभिवृद्धि, लेकिन जन्म से पहले ही विकास शुरू हो जाता है, ये क्या कहलाता है दोस्तों, विकास कहलाता है। देखो यहां पर बात कर रहे हैं अपन, विकास शुरू होता है, उत्तर बाल्यावस्था, पहला ऑप्शन है दोस्तों इसका, जिसने अगर पढ़ लिया हो तो वो आंसर देना शुरू कर दे, पहला ऑप्शन है इसका उत्तर बाल्यावस्था, दूसरा है प्रसव पूर्व अवस्था से, और थर्ड नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है शेष अवस्था से, और डी जो ऑप्शन है वो है पूर्व बाल्यावस्था से। जिसको दिख रहा है दोस्तों सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख के बताए कि आंसर क्या होगा इस पहले वाले क्वेश्चन का, जल्दी से जल्दी बताए मुझे, देखो जल्दी से जल्दी आंसर दो, ताकि मैं डिस्कस करेंगे आगे क्या आंसर क्या होगा। पहला लिखा हुआ है उत्तर बाल्यावस्था से, ये नहीं हो सकता दोस्तों। देखो अवस्थाएं होती है कौन सी, शेष अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, और किशोर अवस्था होती है, ये चीजें किसमें आती है दोस्तों, अवस्थाओं में आती है, लेकिन जब अपन अवस्थाएं पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बाल्यावस्था होती है वो भी दो अवस्थाएं होती है, एक तो होती है उत्तर बाल्यावस्था और एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, कौन कौन सी, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की दो अवस्थाएं होगी। ऐसे ही अपन किशोर अवस्था की बात करें तो किशोर अवस्था की अवस्थाएं भी होगी, उत्तर किशोर अवस्था और पूर्व किशोर अवस्था। ठीक है दोस्तों, ये हुई बात, उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहा है, यानी कि ये बाल्यावस्था निकलने के बाद, जो जस्ट जैसे ही बाल्यावस्था कंप्लीट होती है, यानी कि बाल्यावस्था कब कहां से कहां रहती है दोस्तों, 12 वर्ष तक रहती है बाल्यावस्था,
कहाँ तक रहती है दोस्तों? 12-13 वर्ष तक रहती है। इसके बाद जैसे ही शुरू होता है 13 साल शुरू होता है वो उत्तर बाल्यावस्था के लिए। पूर्व बाल्यावस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था शुरू होने वाला, तो ये नहीं हो सकता दोस्तों, ये तो जन्म के बाद का काम हो गया। इसके बाद दोस्तों बी की बात करें, बी में क्या लिखा हुआ है? प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव का मतलब जन्म से पहले की अवस्था, बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों अपन को, जन्म से पहले की अपन बात करेंगे किस में? विकास में। इसके बाद नीचे का ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। शेष अवस्था से, ये तो अभिवृद्धि में आता है, नहीं हो सकता। इसके बाद डी क्या हुआ है दोस्तों? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से पहले की, यानी कि जैसे ही शेष अवस्था खत्म होती है वो कहलाती है दोस्तों क्या? पूर्व बाल्यावस्था। अपन अवस्थाओं में पढ़ेंगे डिटेल से, यहाँ पे आप समझ लीजिए। बाल्यावस्था की दो अवस्थाएं होती है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑब्जेक्टिव बी, सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। जिस जिसने बी बोला है दोस्तों उनका आंसर सही है, उनको सभी को धन्यवाद। बिल्कुल ऐसे ही लगे रहे दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? बी, प्रसव पूर्व अवस्था, यानी कि जन्म से पहले की गर्भावस्था से। प्रसव का मतलब क्या होता है दोस्तों? गर्भावस्था से होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए पहले क्वेश्चन की बात। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, सेकंड नंबर के क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों, सबसे पहले लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है देखो, सेकंड नंबर के क्वेश्चन लिखा है मैंने 2018 रीट। अभी का जो एग्जाम हुआ था 2017 की जो वैकेंसी थी, जिसका पेपर 2018 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। आया समझ में दोस्तों? किसमें आया दोस्तों? 2018 की वैकेंसी रीट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अभिवृद्धि और विकास का, वातावरण और वंशानुक्रम का। आप कुछ भी कर लीजिए दोस्तों, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं इसमें से, कैसे भी आए, घुमा फिरा के आए, कैसे भी आए, लेकिन जरूर आएंगे। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है। आपको बिल्कुल भी नहीं लगा होगा कि यार इतना हार्ड टॉपिक है कि अपन पढ़ नहीं सकते, इजीली क्वेश्चन आते हैं। अभी इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पढ़ू मैं इसको? और इससे रिलेटेड, ऐसे ही रिलेटेड 2018 में आया, लेकिन आप जब पहले के क्वेश्चन की अपन बात करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार वही रिपीट हो गया, बस थोड़ा सा बदल दिया, उसकी लैंग्वेज बदल दी। लिखा हुआ है दोस्तों दूसरे वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान किस पे देना है? पहले पे, मात्रात्मक। क्या बोला मैंने? मात्रात्मक। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। मात्रात्मक रूपी क्षमता, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रम को कहा जाता है। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रम या प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव ए है, जिसको दिख रहा है दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर दे। पहला है विकास, क्या कहा जाता है? विकास। बी है वृद्धि, और सी दिया हुआ है संतुलन, और डी दिया हुआ है परिपक्वता। क्या दिया हुआ है दोस्तों? परिपक्वता। जल्दी से जल्दी आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए, जिसको आंसर आता है वो भी बताइए। अगर गलत भी आता है दोस्तों आप तो बिल्कुल कमेंट कीजिए कि गलत भी दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों आपके सही होने गलत होने से। लेकिन एक बार आप गलती कर दोगे दोस्तों तो जीवन भर याद रहती है, उसके बाद मैं अगर आपको सही आंसर बताऊंगा वो जीवन भर याद रहेगा आपको। गलती करोगे तभी राइट कर पाओगे, लेकिन अगर आप झिझक के बारे अगर आंसर नहीं बता पाओगे तो दोस्तों बिल्कुल भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे लाइफ में। लाइफ का आगे बढ़ने का मतलब ही होता है दोस्तों प्रॉब्लम। अगर आपके प्रॉब्लम आ रही है जीवन में तो आप समझ लेना सफल जरूर होगे। सेकंड नंबर के क्वेश्चन की मैंने बात की है दोस्तों, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव ए दिया हुआ है विकास, कहा जाता है। अपन यहां पर बात करेंगे दोस्तों मात्रात्मक, किस वर्ड का? मात्रात्मक वर्ड जो कहां पर आया था, अभिवृद्धि में आया या फिर विकास में आया था। मात्रा का मतलब होता है जिसको नापा तोला जा सके। किसको नापा तोला जा सकता है दोस्तों? अभिवृद्धि को नापा तोला जा सकता है। जबकि गुणात्मक क्या होती है? मात्रात्मक और गुणात्मक क्या होता है? विकास होता है। गुण के साथ विकास क्या होता है दोस्तों? गुण के साथ उसका कार्य क्षमता में वृद्धि, एक गुण हो गया, हाथ का विकास हो रहा, हाथ बड़ा होता जा रहा है, ये अभिवृद्धि है। लेकिन ये ताकतवर बनता जा रहा है, ये क्या है? विकास है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों मात्रात्मक किसमें आएगा? विकास। यानी कि विकास पहला आंसर नहीं हो सकता, वृद्धि होगा दोस्तों। क्या होगा? वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभिवृद्धि होता है। मैंने आपको पहले ही दिन जैसे क्लास लगी थी सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि अभिवृद्धि और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। अभिवृद्धि इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह साइकोलॉजिकल वर्ड है, साइकोलॉजी में वृद्धि को ही अभिवृद्धि बोला गया है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपके अभिवृद्धि की जगह वृद्धि आ जाता है तो भी वो क्या है? अभिवृद्धि है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक मतलब संख्यात्मक। क्या मतलब? संख्यात्मक। ठीक है, तो मात्रात्मक मतलब वृद्धि। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। जिसका बी आंसर है दोस्तों, जिसने बी लिखा है उसका सबका राइट आंसर है, सभी को धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं जो गलत है उनकी बात। संतुलन का मतलब संतुलन नहीं हो सकता। संतुलन का मतलब दोस्तों एडजस्ट करना, कभी वृद्धि कभी विकास, कभी वृद्धि कभी विकास। और दूसरा फोर्थ नंबर दिया हुआ है परिपक्वता।
परिपक्वता के लिए दोस्तों एक ही लाइन बोलूंगा जिसमें आपको परिपक्वता का मतलब समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों मुझे कुछ चीज समझ में आ रही ना, जैसे मैं कोई चीज समझने की होती है और उसको मैं समझने लग गया, क्या बोला मैंने, जो चीज समझने की होती है और अगर मैं उसको समझने लग गया हूं तो दोस्तों मुझे परिपक्वता आ जाती है। यही परिपक्वता होती है, मेच्योरिटी, इंग्लिश में बोलते हैं मेच्योरिटी। अपन बोझ बोलते नहीं आ रहे तो मेच्योर लग रहा है मुझे, समझदार लग रहा है। क्या मतलब हुआ परिपक्वता का, मतलब समझदार। अगर जो चीज समझने की अगर मुझे समझ में नहीं आ रही है तो मतलब मेच्योरिटी नहीं है मेरे अंदर, इतना सा मतलब होता है दोस्तों परिपक्वता। जो किसमें आती है, अधिकतर किशोर अवस्था में टाइम में आती है। किसमें आती है दोस्तों, किशोर अवस्था में। परिपक्वता की बात ही किसमें करते हैं दोस्तों, किशोर अवस्था में करते हैं। राइट है दोस्तों, आगे बढ़े, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन में, आगे बढ़े बिल्कुल। आप बता दिया करो कि सर आगे बढ़ो, बिल्कुल समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये देखो 2018 में आया, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। आने वाले रीट का जो एग्जाम होगा दोस्तों, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, बार बार रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, अवरोधी। थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड नंबर तक सबका राइट है दोस्तों, आगे बढ़े। देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है मानव विकास होता है, क्या बोल रहा है दोस्तों, मानव विकास होता है। जो दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन था दोस्तों उससे ही रिलेटेड है, मानव विकास होता है। अब पूछ रहा है ये विकास, जैसे ही विकास बोलते हैं, विकास की सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, रिकॉल हो जाना चाहिए माइंड बिल्कुल, कि हाँ सर बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे कि हाँ विकास ही विकास चल रहा है मेरे चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर देखूं मैं विकास विकास लग रहा है। ऐसे विकास बोलते ऐसे याद हो जाना चाहिए, किसपे बोलेंगे, मानव विकास होता है। और यहां पर अपन बात कर रहे थे अभिवृद्धि की, जबकि नीचे क्या हो गया, विकास। अब यहां पर ध्यान देने वाली जो बात है दोस्तों वो है किस पे, ऑब्जेक्टिव, जो इसके ऑब्जेक्टिव दिए हैं उनको ध्यान से देखना आप। देखो क्या दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन बोला कि मानव विकास होता है, क्या बोला मैंने, मानव विकास होता है। अब इसके आंसर देखो, जिस जिसको दिख रहा है वो जल्दी से जल्दी आंसर दे मुझे और मैं बाकी बोल रहा हूं। पहला इसमें ऑब्जेक्टिव पहला दिया हुआ है मात्रात्मक, मानव विकास क्या होता है दोस्तों, मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक होता है। दूसरा गुणात्मक, गुणात्मक भी होता है, मैंने बताया था आपको कि जो विकास होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। क्या होता है दोस्तों, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, जबकि मात्रात्मक क्या होता है, अभिवृद्धि होती है। क्या होती है, अभिवृद्धि। मात्रात्मक यानी कि होता है, गुणात्मक यानी कि होता है, एक सीमा तक अमापनीय। यह बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये थर्ड नंबर का ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही है। एक सीमा तक मापनीय बिल्कुल नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल्दी से बताओ मुझे, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों विकास कहलाती है, जो कभी नहीं रुकती है जीवन के, यानी कि मैं मर जाऊंगा ना जिस दिन तो मेरा विकास खत्म हो जाएगा, ऐसा समझो आप। जिस दिन आप किसी की मृत्यु हो जाएगी यानी कि उसका विकास खत्म हो गया, लेकिन अभिवृद्धि जो है एक निश्चित समय तक चलती रहती है, एक निश्चित समय रहता है दोस्तों अभिवृद्धि का। इसीलिए दोस्तों अभिवृद्धि को क्या बोला गया है, रचनात्मक बोला गया है। क्या बोला गया है दोस्तों, रचनात्मक बोला गया है। अगर रचनात्मक वर्ड आ जाता है ना दोस्तों, क्या नाम बोला मैंने, रचनात्मक, तो सबसे पहले आपको समझना है कि रचनात्मक की क्रियाएं कहां पर सबसे ज्यादा होती है, वो होती है दोस्तों अभिवृद्धि में। नए नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपको, किशोर अवस्था में दाढ़ी आना शुरू हो जाएगी, बाल आना शुरू हो जाएंगे ज्यादा, यानी कि हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाएगा, बड़े हो जाते हैं, हाइट बढ़ने लग जाती है, एकदम से हाइट बढ़ती है, बाल बड़े बड़े होने लग जाते हैं, अनेकों चेंज देखने को मिलेंगे आपको किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था में। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैं बात कर रहा हूं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की, देखना इधर क्या बोल रहा है, ये मानव विकास होता है, क्या होता है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है। लेकिन आप गलती यहां मत कर देना दोस्तों, आप ये बोल दो कि गुणात्मक होता है, बिल्कुल यहीं पर आंसर लगा दो और आपने पढ़े ही नहीं आगे ऑब्जेक्टिव, ऐसा नहीं करना, आपको नहीं करना है बिल्कुल ऐसा, चारे ऑप्शन पढ़ने और डी को पढ़ना है। डी क्या दिया हुआ है, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों होता है, बिल्कुल दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आंसर है, मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों है। कब आया था दोस्तों ये, रीट में भी आया, टेट में भी आया, यूपी में आया, सी टेट में भी, अनेकों एग्जाम में आ गया दोस्तों, 5-6 एग्जाम में मानो आपको, मैंने लिखे ही नहीं बस। और अगर आपको लगता है कि अगर सर ये भी बताया करो कब कब आया, तो जो इसके बाद की जो क्लास रहेगी ना तो उसमें अपन लिखेंगे नहीं, एक एक क्वेश्चन की जो प्रश्न रहेगा साइकोलॉजी का उसको लेके लेके चलेंगे अपन, और मैं लिखता जाऊंगा कि हाँ ये इस ईयर में आया था, यहाँ पर आया था और इस जगह पे आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आया थर्ड नंबर का क्वेश्चन, मानव विकास होता है मात्रात्मक गुणात्मक एक सीमा तक अमापनीय, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, एक सीमा तक अमापनीय क्योंकि निरंतर चलता है, जीवन प्रयत्न चलता है, और ये क्या होगा, मात्रात्मक और गुणात्मक। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल जिसका डी आंसर है दोस्तों, जिसने डी ऑब्जेक्टिव लगाया उसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों,
जहां तक क्लियर है दोस्तों आगे बढ़ू, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ऐसा कोई वर्ड जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ू। देखो अब फोर्थ नंबर के सवाल पे जाते हैं, फोर्थ नंबर के जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं अपन। देखो फोर्थ नंबर का बोल रखा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फोकस करेंगे इस पर, ज्यादा ध्यान देंगे। ये बोल रहा है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। मानव विकास को क्षेत्रों में, क्षेत्र मैंने दिए हुए हैं, वो क्षेत्र दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव जो है वो क्षेत्र दिए हुए हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, ये बोलते ही दोस्तों वो मैंने जो डायग्राम बनाया था, चार जो मैंने बोला था कि एक पक्ष को छोड़कर सभी का जो, यानी कि एक पक्ष का जो है उसका अध्ययन करता है तो वो क्या कहलाता है, अभिवृद्धि, यानी कि शारीरिक रूप से कहलाता है अभिवृद्धि। सभी पक्षों का अध्ययन करता है, सभी पक्षों के बारे में जो जानता है, सभी पक्षों के बारे में जो विचार करता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, विकास कहलाता है। वही उसकी बात कर रहे हैं। अब याद करो दोस्तों, इस जगह पे बनाया था मैंने वो डायग्राम, और यहाँ पर दो लाइनें खींची थी और गोला भी किया था मैंने, गोला भी किया था, और मैंने यहाँ पर देखो इस जगह पे क्या लिखा था, शारीरिक। इस जगह पे क्या लिखा था दोस्तों, मानसिक लिखा था। इस जगह पे क्या लिखा था, सामाजिक लिखा हुआ है, संवेगात्मक लिखा था, और इस जगह पे सामाजिक लिखा था। ये चार थे दोस्तों, उन चारों की अपन बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। जो है पहला ऑब्जेक्टिव, पहले की बात करते हैं अपन। अब जिसको दिख रहा है, जिसने पढ़ लिया हो, जल्दी से आंसर देना शुरू कर दे और मुझे बताइए इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा। जिसको पता है, जिसने पढ़ रखा है, मेरी क्लास रेगुलर पढ़ रहे हैं, उसको आंसर जरूर पता होगा क्योंकि वो डायग्राम बनाया था मैंने, सबको पता होगा दोस्तों। जल्दी जल्दी से आंसर देते जाए। देखो अब मैं बोल रहा हूं, पहला आंसर, पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या लिखा हुआ है, मानव विकास के क्षेत्रों में, क्षेत्र में बोल रहा हूं, शारीरिक संज्ञानात्मक, बिल्कुल शारीरिक था मानव विकास में, शारीरिक का भी अध्ययन करता है ये। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक ही क्या होता है दोस्तों, मानसिक होता है, मैंने वहां पर लिखाया भी था। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों, मानसिक होता है, मैंने आपको बताया था। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, मानसिक। दोनों लिख लिया करो दोस्तों, जल्दी जल्दी से लिख लिया करो, याद रहना चाहिए। संज्ञानात्मक ही क्या होता है, मानसिक होता है। मानव विकास के क्षेत्र में पहला आया शारीरिक, बिल्कुल करता है। संज्ञानात्मक, मानसिक, बिल्कुल करता है। संवेगात्मक, बिल्कुल करता है। सामाजिक, बिल्कुल करता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं पहला आंसर जो बोल रहा हूँ, पहला ऑब्जेक्टिव, वो बिल्कुल राइट लग रहा है मुझे। लेकिन मुझे यहीं पर आंसर नहीं लगाने देना, मुझे बाकी तीन भी पढ़ने हैं, तीन देख लेते हैं ताकि क्या दिक्कत है। देखो संवेगात्मक बिल्कुल था, संज्ञानात्मक यानी कि मानसिक बिल्कुल था, आध्यात्मिक दोस्तों, लेकिन उसमें आध्यात्मिक नहीं था। उसमें आध्यात्मिक का मतलब होता है दोस्तों, जैसे धर्म की जो शिक्षा लेते हैं ना, वो आध्यात्मिक में आता है। जैसे वो अपन डिटेल से बात करेंगे जब अपन किसके बारे में टॉपिक आएगा, अपने आध्यात्मिक वाला जो टॉपिक आता है बच्चों में, जो शिक्षा वगैरह की, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में आता है वैसे ये आध्यात्मिक वर्ड। लेकिन ये नहीं था, अपने मानव विकास में ये आध्यात्मिक नहीं था। वहां पर क्या था, शारीरिक था, मानसिक था, संवेगात्मक था और सामाजिक था। यानी कि इसमें आध्यात्मिक आ गया, ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। सी वाले मनोवैज्ञानिक आ गया, देखो तो अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र का अध्ययन नहीं करता है कौन दोस्तों, विकास, ये भी क्या है, गलत आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों डी वाले में देखो क्या आ गया, आध्यात्मिक आ गया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अपना जो ए, जो ऑब्जेक्टिव ए है वो अपन को सबसे ज्यादा सही लग रहा है। क्या लग रहा है दोस्तों, सबसे ज्यादा सही लग रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ए आ जाएगा। दोस्तों पहली बात मैंने क्वेश्चन बोला कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि कौन कौन से, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक यानी मानसिक और संवेगात्मक और सामाजिक। और दोस्तों इनका क्रम भी क्या होता है, अगर आपसे मानव विकास का क्रम पूछ लेता है ना, क्रम पूछ लेगा, क्रम का मतलब ये दोस्तों यहाँ पर एरो लगा देगा। आते हैं ऐसे क्रम के क्वेश्चन, तो भी आपका आंसर इस तरीके से होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले किसका क्षेत्र का विभाजित करेगा, शारीरिक, फिर आएगा मानसिक, फिर आएगा संवेगात्मक, फिर आएगा सामाजिक। लेकिन एक कंफ्यूज रखना है यहाँ पर, संवेगात्मक दोस्तों बदलते रहते हैं समाज के आधार पर, पर्यावरण के आधार पर। समाज जैसे आपको मान लो समाज लड़ाई सिखा रहा है तो दोस्तों आपके संवेग भी कैसे हो जाएंगे, लड़ने जैसे हो जाएंगे। समाज जो है आपको प्यार जैसे सिखा रहा है, प्यार मोहब्बत से रहना सिखा रहा है, आपको वैसा एनवायरमेंट मिल रहा है तो आपके संवेग भी वैसे ही हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो पहले वाले, दूसरा वाला है ना, पहले क्या आएगा शारीरिक, दूसरा क्या आएगा संज्ञानात्मक। लेकिन दोस्तों जो थर्ड वाला है वो क्या आ जाएगा, अगर सामाजिक भी आ जाता है तो भी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। और संवेगात्मक पीछे आ जाता है फोर्थ नंबर पे, वो भी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। यानी कि देखो क्रो एंड क्रो, कौन से मनोवैज्ञानिक कह रहे थे दोस्तों, क्रो एंड क्रो।
उन्होंने कहा था कि संवेग जो होते हैं वो समाज के आधार पर, सामाजिक के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। किसने कहा था दोस्तों, किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। बहुत ही बड़े वैज्ञानिक है, बार बार नाम ले रहे हैं अपन, क्रो एंड क्रो के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं, कौन था क्रो एंड क्रो। संवेग आधार बदलते रहते हैं, किसके आधार पर? समाज के आधार पर। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, अपन ने बात करके उसको बहुत इजी भी बना दिया है, बिल्कुल आपको नहीं लग रहा होगा कि इतना कठिन था। अगर आपसे क्रम पूछ लेता है तो भी आपका क्रम क्या रहेगा? शारीरिक और मानसिक पहले रहेगा, बाकी दोनों आगे पीछे के बदल सकते हैं, इनका कोई क्रम नहीं है। संवेग आप में पीछे आ सकता है, सामाजिक पहले आ सकता है। अब बात करते हैं अपन फाइव नंबर के क्वेश्चन की, अंतिम क्वेश्चन की, इसके बाद दोस्तों क्लास को खत्म करेंगे आज। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल रहा है ये? वृद्धि एवं विकास में संबंध है। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको जल्दी से आंसर याद हो गया होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के समान बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे के पूरक या उपरोक्त सभी। आपका क्या आंसर होगा दोस्तों? एक दूसरे के पूरक। नोट लगा के लिखाया था मैंने ये, आपको याद हो तो नोट लगा के, बड़ा सा नोट लगाया था अपने नीचे नीचे, जब अंतर पूरे हो गए थे, अभिवृद्धि और विकास के अंतर पूरे हो गए थे, तो मैंने आपको नोट लगा के ये क्वेश्चन लिखाया था कि इतने दोनों में अंतर होने के बावजूद, किन दोनों में? अभिवृद्धि और विकास में अंतर होने के बावजूद भी ये एक दूसरे के क्या है दोस्तों? पूरक है, विरोधी नहीं है, विलोम नहीं है। क्या नहीं है? एक दूसरे के विरोधी भी नहीं है और एक दूसरे के विलोम भी नहीं है, एक दूसरे के क्या है दोस्तों? पूरक। पूरक का मतलब होता है कि विकास में क्या है दोस्तों? अभिवृद्धि समाहित है, और अभिवृद्धि क्या है? एक विकास का अंग है, इसीलिए क्या बोला गया है इनको? पूरक बोला गया है। कंफ्यूज? क्लियर? पूरक का मतलब क्लियर है, कोई डाउट नहीं रहेगा आपके। ये हो गए दोस्तों पूरे क्वेश्चन। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे, क्योंकि क्लास आज लंबी नहीं रख सकता, मुझे भी बहुत जरूरी जरूरी काम है आज। तो दोस्तों अगली बात करेंगे अपन। देखो अगर मान लो जैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? पांचवें क्वेश्चन के बारे में, और ज्यादा डिटेल से अपन पांच क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर लेते फिर से। देखो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, फोर्थ नंबर का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इससे क्या लगेगा कि देखो मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। मैंने शारीरिक का मतलब था दोस्तों शरीर में बदलाव जो होते हैं वही होते हैं, संज्ञानात्मक मानसिक रूप से जो चेंज होना, संवेगात्मक अपने संवेग किस तरह से बदल देते, क्रोध आना, ईर्ष्या करना, प्रेम करना, बलपूर्वक किसी में छींकना, खांसी होना, ये सब क्या है दोस्तों? गर्म होना, बिल्कुल नाक लाल हो जाना, ये क्या है दोस्तों? संवेग है अपने। इसके बाद आया दोस्तों सामाजिक। सामाजिक भी क्या है दोस्तों? एक किसका? विकास का एक क्षेत्र है। अगर मैंने आपको सबसे पहला बोला था कि अगर इनमें दोस्तों क्रम पूछ लेता है तो क्रम क्या है दोस्तों? पीछे का जो संवेगात्मक और सामाजिक है वो आपको आगे पीछे रखने हैं। कैसे रखने? आगे पीछे रखने हैं। यानी कि अगर सामाजिक पहले आ जाता है या संवेगात्मक बाद में आ जाता है कोई मतलब नहीं रहता दोस्तों इनसे, क्योंकि क्रो एंड क्रो ने कहा था कि संवेग जो है समाज के आधार पर बदलते रहते हैं, तो यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। ये बात किसने कही थी दोस्तों? क्रो एंड क्रो ने कही थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। बी सी डी नहीं होगा क्योंकि इनमें मनोवैज्ञानिक आ गया, आध्यात्मिक आ गया, और इसमें भी आध्यात्मिक आ गया। फाइव नंबर का जो क्वेश्चन था मैंने बोला वृद्धि एवं विकास में संबंध है। एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों? ये पूरक होते हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। विरोधी का मतलब पूरक नहीं होते, यानी कि अभिवृद्धि और विकास जो है एक साथ चलते रहते हैं, दोनों साथ के साथ रहते हैं, समाहित है एक दूसरे में, इसलिए क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। ये हुई बात दोस्तों क्वेश्चन के बारे में। आगे जो अपन रहेंगे वो बात क्वेश्चनों की भी करेंगे आगे। अगली जो अपनी क्लास रहेगी ना दोस्तों वो अपन क्वेश्चन की रखेंगे। ऐसे जो मैंने आज क्वेश्चन बताया वेरी ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो यू मानो आप ट्रेलर है। क्या है दोस्तों? ट्रेलर है। बिल्कुल आपको आज के क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएंगे दोस्तों। जैसे देखो अभी और भी क्वेश्चन की बात करें अपन, जैसे इसमें और भी क्वेश्चन है, जैसे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ, जैसे आ जाएगा क्वेश्चन वृद्धि का संबंध किनसे है। उसने बोला कि वृद्धि का संबंध किनसे है, देखो बोल रहा है। मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ एक और, छह नंबर का क्वेश्चन, ये लो अभी टाइम है अपने पास, जब तक टाइम है जब तक पढ़ लेते हैं। वृद्धि का संबंध किससे है, किससे है? ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं दोस्तों मैं आपको, आकार व भार से। पहला लिखा मैंने आकार, पूरे सुनना पहले, वो भार से
बी लिख रहा हूं मैं, केवल आकार से, केवल आकार से। सी लिख रहा हूं मैं, केवल भार से। इसके बाद जो डी लिखूंगा मैं दोस्तों, वो लिखूंगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन लिखा है दोस्तों मैंने, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, वृद्धि का संबंध किससे है। दोस्तों ये एग्जाम में आया हुआ है, कब आया ये, बिहार टेट लेवल सेकंड में आया था और रीट में भी आ चुका है दोस्तों ये, और यूपी टेट में भी आ चुका है, दो तीन बार आ चुका है दोस्तों। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो है ऐसे ही आएंगे, आप जो एग्जाम दोगे उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल कितना इजी क्वेश्चन है, देखो कंफ्यूज क्या क्या होते हैं। देखो अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने तो इसमें क्या है पहले लिख दिया कि आकार वो भार से है। क्वेश्चन है अभिवृद्धि का संबंध किससे है, वृद्धि बोलो चाहे अभिवृद्धि बोलो एक ही बात है, किससे संबंध है दोस्तों। अभिवृद्धि वृद्धि बोलते सबसे पहले आ जाना चाहिए आपके माइंड में, किससे संबंध होता है, शरीर से संबंध होता है अभिवृद्धि का, यानी कि शरीर का जो मात्रात्मक होती है आकार में नापा तोला जा सकता है, परिवर्तन होते हैं हेल्थ को देख के जो चेंज होते हैं वो क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है। तो वृद्धि का संबंध किससे है दोस्तों, आकार से है, बिल्कुल है। इसके बाद दोस्तों क्या दिया हुआ है, भार दिया हुआ है। आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले आप आंसर बता दीजिए इसकी कि आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, जो छठे नंबर का क्वेश्चन है अपना, छठे नंबर का जो सवाल दिया हुआ है मैंने, उसका आंसर क्या होगा सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे कि आंसर क्या होगा। जिस जिसको याद है वो जल्दी से आंसर बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जल्दी से दोस्तों प्लीज जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी मैं पढ़ ही रहा हूं, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि आकार व भार से, क्या होगा दोस्तों, आकार व भार से, केवल आकार से, हाँ बिल्कुल केवल आकार से भी है, केवल भार से, बिल्कुल भार से भी है, इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा क्योंकि है तो इनमें से ही। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक तो वर्ड लिखा हुआ है केवल, केवल का मतलब होता है दोस्तों या तो आकार या भार, यानी कि केवल, केवल का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ एक से, यानी कि आकार से ही, नहीं अपन ये नहीं बोल सकते किससे अपना संबंध आकार व भार से। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए इसका आंसर हो जाएगा। ये हुई इस वाले क्वेश्चन की बात, आया समझ में दोस्तों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना दोस्तों, बिल्कुल भी आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कोई दिक्कत आ रही हो क्वेश्चन में, ऐसे ही दोस्तों इंटरेस्ट बना के रखिए आप, बिल्कुल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, ये जो छह नंबर तक क्वेश्चन हुए आज क्वेश्चन, इनके बारे में अपन ने बात की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी इनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ऐसे ही लाइक और वीडियो को शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा, कल की क्लास में बिल्कुल सारे ऑनलाइन आ जाए, क्योंकि कल की क्लास में बड़ी लूंगा, एक घंटे की क्लास लूंगा और अपन सारे क्वेश्चन की बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, काफी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी को, ठीक है, गुड मॉर्निंग।